तो अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उदाहरण नंबर 2.7। उदाहरण नंबर 2.7 कोई भी छात्र किताब नहीं निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, फॉर्मूला है, इसको बनाना है। उदाहरण नंबर 2.7 100 वाट का बल्ब देखे होंगे आप अपने जिंदगी में, उससे संबंधित प्रश्न है, उससे संबंधित प्रश्न है। उदाहरण टू पॉइंट सेवन लिखेंगे, 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब, एक बल्ब 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर बाली तरंग दैर्ध्य, बाली तरंग दैर्ध्य क्वेश्चन लिखेंगे, का एक वर्णी प्रकाश, का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, बल्ब द्वारा, बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। की गणना कीजिए, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। आप अपने घर में देखे होंगे 100 वाट का बल्ब, उससे कह रहा है कि 400 नैनोमीटर वाली तरंग निकलेगी और बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। प्रश्न में क्या शब्द दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है बल्ब कितना का है, तो बल्ब है 100 वाट का। कितना का बल्ब है? 100 वाट का। तरंग दैर्ज उसका कितना है? तरंग दैर्ज है 400। इसको पढ़ते हैं हम लोग नैनो, इसको क्या पढ़ते हैं? नैनो मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं? एन से नैनो, एम से मीटर। तरंग दैर्ज, तरंग दैर्ज को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन चीज? वेव लेंथ। हाँ, और इसका इंडिकेशन क्या होता है? लेमडा। पूछ रहा क्वेश्चन, बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना की, प्रति सेकेंड कह रहा, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। अब बताइए फॉर्मूला आपको समझने से पहले, अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो 100 वाट का मतलब क्या होता है पहले ही सीख लीजिए। 100 वाट का क्या मतलब होता है तो लिखिए, बल्ब की विद्युत शक्ति कितना दिया हुआ है सो बताइए, किताब नहीं देखना है। बल्ब की विद्युत शक्ति कितना, कितना वाट दिया हुआ है? सब मिलकर बोलेंगे कितना वाट? 100 वाट दिया हुआ है। तो 100 वाट को हम लोग लिखते हैं 100 जूल, 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड।
एक सेकेंड में कितना वो एनर्जी दे रहा है, 100 जूल। इतना याद रखेंगे, कल हम फिर पूछेंगे कि 100 वाट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिखें या ऐसे लिखें या इस प्रकार से, तीन प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। समझ गए, 100 वाट का मतलब हो गया कि वह एक सेकेंड में कितना एनर्जी दे रहा है, 100 जूल। एक सेकेंड में कितना, 100 जूल। इस टॉपिक क्लियर हो गया वाट वाला। दूसरा पॉइंट लिखा है कि एक फोटोन की ऊर्जा, एक कौन चीज आवाज कर रहा है, हाँ, एक फोटोन की ऊर्जा बराबर, बताइए अभी तुरंत पढ़ाएं, एक फोटोन की ऊर्जा को का संकेत क्या पढ़ाए हैं इसके पिछले वाले प्रश्न में, हाँ, क्या इसका संकेत होता है, ई, वेरी गुड, और ई बराबर क्या पढ़ाए हैं अभी तुरंत, एच भी, वेरी गुड, ई बराबर एच भी, क्या पढ़ाए हैं, ई बराबर एच भी। अब बताइए एच का मान अभी तुरंत याद कराए हैं, एच बराबर कितना मान याद कराए हैं, एच बराबर 6.626 × 10⁻³⁴ J/s, ये तो याद हो गया। भी कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, सो बताइए भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये बताइए कि कोई फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, भी बराबर, भी बराबर क्या बताए हैं, या सी बराबर क्या बताए हैं, लैम्डा बाय भी क्या बताए हैं, ये बताइए, सी बराबर एक, भी बराबर क्या बताए हैं, भी बराबर सी बाय लैम्डा, ऐसा पढ़ाए हैं क्या, हो सकता है ऐसा, बताइए ऐसा बताइए, सी बराबर भी बराबर हो सकता है सी बाय लैम्डा, हो सकता है, यस सर। अब बताइए कि यहां पर ई बराबर अगर हम एच भी लिखें तो एच अगुना भी के जगह क्या लिख सकते हैं, इस भी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी बटे लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए सी का मान हम आपको कितना याद कराए हैं, 3 × 10⁻³ कितना याद कराए हैं, छोटू पीछे बोलो उधर, हाँ हाँ, यही तुम पढ़ता है, तुम पैसा वसूल करेगा कि ऐसे ही तुम दाएं बाएं करते रहेगा, दो गार्जियन का नंबर अभी हम फोन करते हैं कि पैसा वसूल नहीं कर रहा है, इसको जो है चश्मा जूता दे दिए हैं, मोबाइल दे दिए हैं, बैग दे दिए हैं, उसी में खुश रह रहा है, सी का मान भूल जा रहा है, लाइटे का मान भूल जा रहा है, जिससे कि पूरा विश्व चल रहा है, ये लाइटे का सेकेंड भूल जा रहा है, कितना होता है, फिर से बोलो, वो उसको बोलो स्पीड ऑफ लाइट बोलो, हाँ मान बोलो उसका क्या, देख रहा है पर सेकेंड होगा, बिना छड़ी के नहीं हो सकता है सुधार, ठहरो, बहुत इसको भूख लगता है, बहुत भूख प्यास लगता है, साइंस तुम लिया काहे के लिए, जब भूख प्यास लगता है तुमको जल्दी जल्दी, चलो सी बराबर, सी बराबर बोलो 3 × जल्दी बोलो 10⁸ m/s, या इसे लिखेंगे 3 × 10⁸ m/s, ऐसे लिखेंगे, याद होगा इतना, दोनों में से कोई होगा,
ठीक है, अगर तुम कल से नहीं सुनाया तो समझ जाओ तुम बहुत, हाँ तुम बहुत आनंद ले रहा है क्लास में और सुना नहीं रहा है, हमेशा पीछे बैठने के रिकॉर्ड बनाता है। एच का मान बोलो कितना लिखेंगे यहाँ, 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड गुना सी का मान बोलो, बोलो जल्दी, 3.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, सेकेंड यहाँ रहेगा। उसके बाद लेमडा का मान कितना दिया हुआ है, बोलो उधर, लेमडा का मान कितना दिया हुआ है, 400 नैनोमीटर। तो 400 गुना कितना लिखेंगे, नैनो का 10^-9 मीटर। लेमडा का मान यहाँ लिख देते हैं ताकि अगले क्लासे समझ में आवे, 400 × 10^-9 मीटर ऊपर में दिया हुआ है। चलिए हल करके कोई बता सकते हैं, एक भी बच्चा बता सकता है इसका आंसर, चलो जल्दी बताओ, 4 अंक में लाना है। ऊपर में गुना करना है और नीचे से भाग देना है, या पहले भाग दे दीजिए उसके बाद गुना कीजिए। कोई इंटेलिजेंट लड़का या लड़की आंसर दे सकता है, जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि आप केमिस्ट्री का यह जो क्वेश्चन है जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई हम आशा नहीं करते हैं कि 100% सही हो, लेकिन कोशिश जरूर करें कि सही हो जाए पहले बार में आंसर। बताइए बिहार शरीफ, गुना भाग तो कम से कम कीजिए। आराध्या सिंह, गुना हो रहा है, बताइए आंसर, बताइए आंसर जल्दी। बिहार शरीफ में एक लड़का बैठा हुआ है, बहुत गलत बात है, कम से कम कलम चलना चाहिए, पैसा आप दे रहे हैं कलम चलाने का, ठीक है, कलम कम से कम गुना भाग का चलना चाहिए, गुना भाग तक कम से कम बताइए जल्दी। 4-5 जिला जुड़ा हुआ है, अभी तक नहीं आया आंसर, सब कॉपी के कोना में तो दाएं तो बाएं जगह इतना छोटा सब सेलेक्ट कर लेता है कि पार कर जाता है, सादा पेज पर कोई करिए नहीं रहा है। अरे तुम अभी ऊपर नीचे में फसल है, चलो जल्दी लिखो। ये बन गया, कितना आया, थोड़ा सा गलत हो गया, 46 नहीं आना चाहिए। देखिए गुना कैसे करना था सो देखिए, यहां पर 66 126 कर दीजिए और गुना कर दीजिए 3, अब बटे कितना कर देना है, 4, ऐसा करके गुना कीजिए, इतना सिर्फ कीजिए, बात समझ रहे हैं, इस तरह से गुना कीजिए, ये 4 को गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए, ये ऊपर हो गया
और ये कहाँ हो गया, नीचे, और सब तो जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, इससे कोई मतलब शुरू में नहीं होना चाहिए। पहले सीख लीजिए कैसे गुना होता है। दशमलव तो आपको पता है कि कितना अंक के बाद दशमलव है, इतना तो जरूर टेंथ तक पढ़ लिए होंगे, तो इतना गुना कम से कम करना पहले सीखिए। देखिए चार से ही कट जाता है कि नहीं कटता है, काटिए, दो से काटिए, दो से काटिए, फिर दो से दशमलव ले आइए, कितना आया। हाँ जैसे इसको दो से काट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, तीन तीन एक और तीन, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। और दो से अगर हम इसको काटते हैं, इसको गुना कर दीजिए तीन से, तैतीस सौ तेरह अगुना तीन कितना होगा सो बताइए, तीन तियाई हैं नौ, यहाँ बचा तीन और यहाँ हो जाएगा निन्यानवे। और गुना क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए कितना से, भाग कितना से दे देंगे, दो से, तो दो से कितना आएगा सो बताइए, फोर आएगा। देखिए गुना कितना हल्का था, आप लोग परेशान हैं, यहाँ पर फोर आएगा, एक एक पर नौ होगा, यहाँ पर नौ होगा, उसके बाद छह बार होगा, यहाँ छह होगा सो बताइए, सिक्स, और उसके बाद नाइन होगा, इतना होगा। इतना हल्का था, इतना हल्का था आपका गुना, और आप लोग टेंथ पास करके और गुना में फंस जा रहे हैं, इतना तुम आधा पेज खत्म कर दिया ना, अपना काम कर दिया पेज खत्म करके कि नहीं, पेज दोनों खत्म कर दिया ना, आधा आधा पेज, नहीं ना आया आंसर, उतना आया, आ गया, नहीं ना आया, आ गया, कितना आया बताइए। अब यहां आया कितना, फोर नाइन सिक्स नाइन, अगुना कितना होगा ये बताइए। ये जो चार है इसको हम लिख सकते हैं चार गुना दस पर पावर दो, यहां सो बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सो बताइए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चार सौ को चार गुना दस पर पावर दो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तब आपको ये गुना भाग जब कीजिएगा तो आएगा कितना आंसर, 10 पर पावर 19 आएगा सो बताइए, 10 पर पावर 19 आप लोग ला दीजिए तो कैसे आएगा, 10 पर पावर माइनस 19 लाना है, इतना तो कम से कम लाइए, देखते हैं आप लोग से आता है 10 पर पावर माइनस 19, हाँ 19 आ रहा है आप लोग को, बताइए कोई भी, कम से कम ऊपर में है माइनस 34, ऊपर में है प्लस 8, नीचे है माइनस 9 और नीचे है 2, आ जाएगा, वेरी गुड। तो 10 पर पावर माइनस 19 जूल हो गया, एनर्जी किस में आएगा, जूल में, सेकेंड और सेकेंड क्या होगा कट जाएगा, सेकेंड और सेकेंड क्या होगा कट जाएगा। तो इसमें क्या है कि फॉर्मूला के अलावा आपको गुना करने और भाग देने आना चाहिए, समझ गए, मैट्रिक से ही ऊपर लेवल का चीज है, तो गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे देंगे शॉर्टकट में ये सीखना है, और फिर पावर को कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी सीखना है। ऐसे ये पावर वाला जो बात है हम पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पहला चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसीलिए सब लोग बना दे रहा है, ठीक है। अब बोलिए उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित लिखिए, उत्सर्जित फोटोन, फोटोन की संख्या बराबर 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल,
क्या होता है 100 जूल पर सेकेंड, और गुना कितना आया है, गुना कितना आया है 4 पॉइंट, यहां पर 4 पॉइंट लिखिए 4.969, फिर हमको भाग देके आपको दिखाना है अभी तुरंत, यहां पर सेकेंड लिख देते हैं थोड़ा आपको भाग देने में सुविधा होगा, 4.969 जूल। अब बताइए इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं भाग देके, ये देखिए भाग देके इसका आंसर आप थोड़ा बताइए, जूल जूल कट जाएगा पर सेकेंड, उत्सर्जित फोटोन की संख्या बताइए पर सेकेंड में कितना होगा, देखते हैं ये कौन भाग देंगे, तुम आज एको को क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा, तुम पहला वाला तो तुम उतार नहीं है में रहा, वो देखो वो क्या कर रहा है छोटू, भगा दे रहा है, ठीक है जल्दी दो बता दो आंसर, भगा दे रहा था, तुम तो एको चीज नहीं बताता, तुम दाएं बाएं खाली देखता है नहीं है, ओ बनाओ बनाओ जल्दी भाग बता दो, समझो में आ रहा है, वाह तब तो रिकॉर्ड तोड़ कर दिया ये, हाँ कितना आएगा बताइए इसको, देखिए इसको इसको कुछ नहीं करना है समझ लीजिए, 4.9 को 4.96 को हम लोग क्या मान सकते हैं, पांच मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं सो बताइए, मान सकते हैं 4.96 को क्या मान सकते हैं, पांच मान लेंगे, अब पांच से इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, कितना मान आएगा बताइए, 20 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो 2.0 आ जाएगा गुना 10 पर पावर कितना है, नीचे में है कितना 10 पर पावर -19, 10 पर पावर -19, ऊपर जाकर हो जाएगा कितना, ये एक अंक ये भी जुड़ेगा, एक अंक ये वाला भी जुड़ेगा, 10 पर पावर 20 पर सेकेंड, पर सेकेंड होगा, चलिए बना लीजिए, इसको क्या मान लेना है पांच, इसको क्या मान लेना है पांच, बन गया, कौन कर रहा है बदमाशी, कौन कर रहा अभी बदमाशी, हम कल पूछेंगे आपसे कि कितना वाट का बल्ब था, तो क्या बोलिएगा 100 वाट का बल्ब था, और उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ था 400 नैनोमीटर, कितना दिया हुआ था 400 नैनोमीटर दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या था 100 वाट का बल्ब था, तरंग दैर्ध्य उसका कितना दिया हुआ था 400 नैनोमीटर दिया हुआ था, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, एक 100 वाट का बल्ब है आपके रूम में लगा हुआ, उसका तरंग दैर्ध्य मतलब उछलते हुए इसे इसे जा रहा है, और इसका जो यहां से यहां तक का जो दूरी है वह है कितना, तो ये है 400 नैनोमीटर, मतलब 400 गुना 10 पर पावर माइनस 9
नौ मीटर, यही ना है 400 नैनोमीटर, इसका दूरी यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी। बिहार शरीफ शांत रहें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 100 वाट का बल्ब और वेवलेंथ कितना दिया हुआ था? 400 नैनोमीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? प्रति सेकेंड उत्सर्जित क्या चीज? फोटोन की संख्या, मतलब एक सेकेंड में कितना फोटोन निकलता है, एक सेकेंड में कितना फोटोन निकलता है। तो ये आया 2.0 × 10⁻², मतलब एक सेकेंड में इतना फोटोन निकलता है। इसमें आपको समझना क्या क्या है? पहला, बल्ब की विद्युत शक्ति जो दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कितना? 100 वाट। और 100 वाट को हम पूछेंगे कि 100 वाट को हम जूल में कैसे दिखाएंगे, तो आप बताइएगा 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना उस 100 वाट वाला बल्ब निकालता है? तो 100 जूल निकालता है। कितना निकालता है? 100 जूल निकालता है। एक फोटोन की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? ई। एक फोटोन की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ई। और ई बराबर कौन सा फॉर्मूला पिछले क्लास में याद कराए? एच वी। ई बराबर एच वी, और H का मान भी याद कराए हैं कितना? 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। और V बराबर एक फॉर्मूला आज याद कर लेंगे, V बराबर कौन सा फॉर्मूला याद कर लेंगे? C बाय लेमडा, या C बराबर क्या होगा? V लेमडा। लाइट में, लाइट में क्या होता है कि एगो V होता है और एगो क्या होता है? लेमडा होता है। एक क्या होता है? भी होता है और एक लेमडा होता है। भी मतलब हुआ कि इससे कितना निकल रहा है, इससे कितना निचल, लेमडा मतलब हो गया कितना उछल उछल के जा रहा है, समझ गए? लाइट जो निकल रहा है ये कहता है कि इससे कितना निकल रहा है, इससे कितना निकल रहा है और कितना उछलते हुए जा रहा है, यही दो चीज है इसमें। टॉपिक समझ गए? तो सी बराबर होगा भी लेमडा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? सी बाय लेमडा। सी का मान आपको याद रखना है छोटू, कहाँ गया? चश्मा, घड़ी, मोबाइल, ठीक है, घड़ी नहीं है। सी बराबर पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है? -9 मीटर, यह है दिया हुआ। अब हम निकालेंगे ई बराबर एच भी, तो एच यहां लिखेंगे और भी H, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? लेमडा। भाग देने के लिए हम बता दिए इस प्रकार से भाग देना है, ऊपर में ऐसे लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ भाग देना है, और तब निकालना है। ये आपको आ गया जूल, ये इनर्जी आ गया, ये क्या आ गया? इनर्जी। अब इनर्जी, इनर्जी जब कटेगा, इनर्जी और इनर्जी जब कटेगा तब फोटोन की संख्या, इनर्जी, इनर्जी क्या है? 100 जूल पर सेकेंड, यहाँ पर 100 जूल पर सेकेंड है दिया हुआ। हमारे पास एनर्जी आया ये 4.96, तो इसको हम 5 मान लेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो याद हो गया। चलिए कॉपी बंद कर दीजिए और बैग में रख दीजिए, और क्वेश्चन हम जो पूछते जाएंगे बताते जाइएगा। अभी कितना वाट का बल्ब की बात हो रही है? 100 वाट। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 400 नैनोमीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ये पहले याद कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ये पूछ रहा है। तो बल्ब का विद्युत शक्ति 100 वाट को हम दूसरे तरह से क्या लिखेंगे? 100 जूल पर सेकेंड। फोटोन की ऊर्जा का संकेत क्या होता है? ई। ई बराबर क्या होता है? एच भी। भी बराबर क्या लिखेंगे? सी बाय लेमडा। एच का मान कितना लिखेंगे? फिर गलत बोल दिया, -34 जूल सेकेंड। समझ गए? तो सी का मान कितना होता है? सी का मान कितना होता है? तो ये था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2.7।
तो 100% याद करने की कोशिश करें, नहीं तो पैसा आपका असूल नहीं होगा। सभी कहाँ चले जाएंगे? पानी में। तो थैंक यू फॉर डूइंग क्लासेस लाइव फ्रॉम कहाँ से? कैपिटल ऑफ बिहार।